हम लोग गाड़ी अंदर पार्क वार्क सब कर दिए। वो हम लोग से बोला 1800 नेपाली एक रूम। इधर आस पास कोई शॉप भी नहीं होगी, लेकिन इधर हमको परेशान करती है। हम लोग ने कभी अपनी हिमालयन दूर से नहीं देखी थी, क्या तगड़ी लग रही है देखो। ये चलाते हैं तो लगता है जैसे बहुत पतली है, बहुत मतलब मस्कुलर नहीं है, बहुत सेक्सी लग रही है। देखो आवाज़ सुनो, मस्त आवाज़ है। अरे हंटर वाले आराम से चल लिए। ये देखो हिमालयन। अरे मेरे भाई किधर आ रहा है, हमें सीट से कूद के टैंक पे आ गए। आइए सीमा हिमालयन। जो गड्ढे हैं भाई, किडनी फेफड़ा सब डैमेज हो जाएगा। मन तो कर रहा है नीचे जाके नहा लूं, लेकिन पानी बहुत गंदा लग रहा है, पूरा मिट्टी मिट्टी वाला है। बहता पानी रहता है तो नहाने में अच्छा भी रहता है, बेहतर है तो पक्का नहा लेते, इतनी गर्मी पड़ रही है। ओ हंटर छीन ले गई राजन से। अच्छा प्रशांत अब हंटर चला रहा होगा, सब गाड़ी बाट बाट के चला रहा है वो हर एक ब्रेक के बाद। मस्त भाई, अभी एक रेडबुल पी लिए हैं और मामला सेट हो गया है। काठमांडू अभी यहाँ से 200 किलोमीटर, हम लोग 2 बजे निकले थे, अभी 90 किलोमीटर चल चुके हैं 3 घंटे में, जिसमें 1 घंटा तो हम लोग उनकी हेल्प करने में मतलब गाड़ी ठीक करने में लग गई अभी। अरे वाह, ये स्लीपिंग बैग हमको परेशान करती है। अरे दादा रे दादा, अब इसको फिर से बांधना पड़ेगा, रुक के अब आगे कहीं रुकते हैं। खड़े हुए थे रास्ता दिखाने के लिए कचड़े वाला, लेकिन ये स्लीपिंग बैग धोखा दे दिया कमबख्त। अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइडिंग जैकेट निकाल के पीछे बांध दिया। बगल बगल पहाड़ भी आ गए, धूप भी चली गई है, अब मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है। अभी भी लेकिन 35 डिग्री है। वाइज़र खोले हुए हैं बड़ा वाला, इसलिए आवाज़ थोड़ी बेकार सी आ रही होगी, मतलब विंड आ रहा है ना उसकी वजह से। बाकी अभी बचा है यहाँ से 120-130 किलोमीटर और बच चुके हैं 7, हमको लग रहा है 11 तो बच ही जाएगा, 11-12 तो पक्का बच जाएगा, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है ना काठमांडू का, पोखरा रहता तो पक्का 4-5 घंटे में पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ का रास्ता ऐसा है कि 10-12 घंटे भी कम पड़ जाए। देखो करिए व्यू, कुछ दिन में ये सब रोड हाईवे हो जाएगा, मस्त मजा आएगा आप लोगों को आने में। लेकिन अभी उसमें 2-3 साल लगने वाले हैं, पता नहीं अंधेरे में दिख रहा होगा, नहीं वैसे दिख रहा होगा, मौसम साफ हो गया है, पहाड़ पूरे अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। ऐसे ही रोड मिल जाए थोड़ा 100 किलोमीटर मज़ा आ जाए, थोड़ा कवर भी हो जाए। बीच बीच में जो ख़राब आ जाता है ना, कसम से मूड अपसेट हो जाता है, क्या ही कहूँ मैं। अब जिंदगी सारा मोटर गाड़ी माँ, अब समझ में आया ये गाना क्यों गाते हैं सब नेपाल वाले लोगों की, तो आधी ज़िंदगी है रास्ते ही खा जाते होंगे, 1 घंटे का रास्ता 5 घंटे में। देख रहे हो ये कोई रास्ता है? अरे राम 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 राम, जय श्री राम। जितना आगे जा रहे हैं उतने गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। रोड मिल रहा है तो एकदम प्रॉपर अच्छा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो भाई बस एक ही डर लग रहा है, मेरा टायर ट्यूबलेस नहीं है, मेरा भी और स्टैंडर्ड का भी, तो वही मेन दिक्कत है, इसलिए खुल के चला नहीं रहे हैं। कहीं भाई पंचर हो गया ना इस रोड पे, पानी नहीं मिल रहा था। पहली बार अपनी ज़िंदगी में 1 लीटर पानी पी गए, 1 लीटर समझ रहे हो, 1 लीटर भैया गिरते गिरते बचे अभी आगे वाले स्प्लेंडर वाले।
इसीलिए रात में आराम से चलना चाहिए। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, अगर टायर के नीचे, अगर गाड़ी तिरछी है टायर के नीचे आ गया तो पक्का गिरोगे। पता नहीं कितना लिखा हुआ है, फटा हुआ है, काठमांडू 141 है कि 7 है, 141 है काठमांडू 141, ढलकबेर 216। हमें तो काठमांडू ही जाना है, तो सबसे हाथ हमारे पड़ा है, पता नहीं कहाँ जाएगा जल्दी। देखो 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 देखो, गया, बच गया, बच गयो रे, बच गयो। ये वो नदी, क्या नाम है, कौन सी नदी है ये, क्या नाम था यार, नाम ही नहीं याद आ रहा है। सीधा जी वाला कौन सी नदी थी, ये इंडिकेटर, थैंक यू। अच्छा यहाँ पे हजार जलाना अलाउ नहीं है, ये भी है। क्या नदी का नाम था, नाम ही देखो इन सब के चक्कर में भूल गए। हाँ नहीं यार, वो नदी ना कौन सी है, सीताजी वाली नदी थी। अरे नहाने जाते हैं यार लोग, नाम नहीं याद आ रहा है। कौन सी नदी है जो बिहार में जुड़ती है जाके, ये वाली। अबे नहाने जाते हैं वहाँ पे सब, त्रिवेणी जी हैं। हाँ त्रिवेणी जी, यस याद आ गया, यस। काठमांडू सीधे था ना, सीधे ही होगा। नदी का नाम याद करने में बॉर्डर रास्ते का साइन ही देखना भूल गए, अभी तो आगे चले गए होते, भरतपुर कहाँ चले गए होते, रक्सौल बॉर्डर बिहार वाले पे, ये वाला रास्ता काठमांडू वाला। पीछे था नारायण घाट, यहाँ से लगभग लगने चाहिए मेरे हिसाब से 3 घंटे, अगर हम लोग कहीं रुकते नहीं है तो, बस पानी चाय के लिए रुके। पानी तो आज हम लोग कम से कम पी गए होंगे 25-30 लीटर भाई, जो गला सूख रहा था ना आज, कसम से इतना डेंजर राइड कभी नहीं किए थे आज तक। जो ख़राब रास्ते क्या ही बताएं। सफारी स्कॉर्पियो सफारी सब 4x4 आती है। अभी देखो हम नेपाली सीखे हुए हैं, किसी से पूछेंगे ज़रूर, मतलब जो सीखे हैं वो एक लाइन वो अभी बोलेंगे किसी से, बस कोई अच्छा दिख जाए। बाकी पीछे वाले मेरे नहीं दिख रहे हैं कितने गए। भैया काठमांडू जाने रास्ता, काठमांडू भूल गए भाई, जब बोलने की बारी आई भूल गए क्या बोलना था। हाँ लाइन ये है, काठमांडू जाने रास्ते बाटो, यही छे, मतलब काठमांडू जाने का रास्ता यही है। अब आए हैं सेक्सी सेक्सी, अच्छे अच्छे रोड, मस्त हाईवे, मस्त हर चीज़ मस्त, और मौसम भी मस्त, बगल में पहाड़, ठंडी ठंडी हवा, और क्या ही चाहिए। बस ऐसे ही काठमांडू तक रहे तो मज़ा ही आ जाए, तब तो 2 घंटे भी नहीं लगेंगे पहुंचने में, 100 किलोमीटर बचा है। हमारे बाबा की गाड़ी में, बाबा मतलब प्रशांत जी की गाड़ी में लाइट नहीं है, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो रही, इसलिए हम बगल में चल रहे हैं, उसको दिखाते रास्ता। चलिए बाबा चलिए महाराज। तो यहाँ पे रुके थे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मस्त थोड़ा बहुत खा लिया नाश्ते टाइप का। गाड़ियों की हालत देखो कैसी हो गई है, सबसे ज़्यादा तो हंटर गंदी हुई है, देखो पहचान में ना है। बाकी अभी तक तो रास्ता ठीक ही है, आगे भैया बोल रहे हैं ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 11:30 तक पहुँच जाने चाहिए। देखते हैं खैर क्या है आगे, हम मेरा भी पहला बार है, सबका पहली बार है। मछली मार के आ रहे हैं भैया,
एक मिनट की जाम हो रहा है इधर आसपास कोई शॉप भी नहीं होगी इधर थोड़ी आगे तो है मुगलिन पे आज लग रहा है हम दूसरों की हेल्प करते करते खुद ही काठमांडू नहीं पहुंचेंगे उस बेचारे के इंजन का क्रैंक टूट गया था क्रैंक इन द सेंस जहाँ जो पिस्टन घुमाता है वो बुलेट का पूरा जाम हो गया था कि सब पीछे ही मुगलिंग चौराहा था तो वहाँ तक हमने धक्का दे दिया मतलब स्लोप एरिया ही है तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ चढ़ान था वहाँ दे दिया अब वहाँ तक तो पहुँच ही गए उसके आगे वो अपना देख ले जितना हमारे किस्मत में था मतलब हम कर सकते थे हमने कर दिया देखे अंधेरे में बेचारा खड़ा हुआ है पता नहीं क्या हुआ है तो गए पूछे बस सबकी हेल्प करते रहिए भगवान आपकी हेल्प करेंगे सिंपल एंड गुड। आजकल लोगों को पता नहीं क्या हो गया है मतलब ये रोड आपके सामने है अच्छा ही रोड है लेकिन टर्न इतने हैं हमको अभी तक चौथा गियर लगाने का मौका नहीं मिला है गाड़ी हाईएस्ट अगर गई होगी तो 50-60 गई होगी और जब जटपाजी का एक्सीडेंट हुआ इतनी फेक न्यूज़ इतनी वायरल न्यूज़ की ओवर स्पीडिंग कर रहे थे भैया इस पर ओवर स्पीडिंग छोड़ो तो हमने नॉर्मल स्पीड से नहीं चल सकते देखो ट्रक यहाँ पे 10-15 पे चल रही है इतने ख़राब रास्ते पे मेरी टूरिंग बाइक है हम नहीं कर पाए कितना चल रहा है अभी देखो आपके सामने 60 चल रहे हैं आगे रास्ता क्या है पता नहीं है कैसे कोई इस पर ओवर स्पीड निकला वो भी S2 जैसी गाड़ी से और देखते देखते हम मनोकामना देवी आ चुके हैं ये यहाँ से ऊपर जाके ऐसे रास्ता है पिछली बार हम लोग आए थे तो यहीं खड़ी किए थे अच्छी जगह है प्यारी जगह है अगली बार आया जाएगा मतलब यहाँ के लिए अलग से समय निकाल के आ जाएगा। आज अपने हिमालयन ने जो एवरेज दी है ना कसम से मन एकदम खुश हो गया हम लगभग घर से 100 उधर 180 किलोमीटर चली अभी आधी टैंक से ज़्यादा पेट्रोल है इसमें सुबह लगभग 1400-1500 का तेल आया था जिसमें से आधी टंकी से ज़्यादा बची है भाई अभी पता नहीं क्या एवरेज दी है लगभग ऐसे देखा जाए तो शायद मतलब भूत भूत आ गया क्या इसके ऊपर 50-60 का एवरेज दे रही है असल में अच्छा लाए भी तो बहुत अच्छे से हैं अच्छे से क्या रोड ही नहीं था लेकिन फिर भी चढ़ाई तो चढ़ी है यार सबकी गाड़ी में तेल नहीं है बस मेरे में आधी टंकी से ज़्यादा है। लास्ट के जो ये 5 किलोमीटर बचे हैं ना कसम से एकदम नरक वाला 5 किलोमीटर है इतनी धूल मिट्टी गड्ढा कीचड़ मतलब जितना हो सकता है सब आ गया इसमें पता नहीं अचानक से पता नहीं आदर्श भाई की याद क्यों आ रही है बेचारा आया नहीं हर बार हर ट्रिप में आता है मज़ा आता है उसका मज़ा भी लिया जाता है बहुत अब किसी का मज़ा ले नहीं पा रहे हम लोग अच्छा भी नहीं लग रहा याद भी आ रही अभी पीछे रुके थे हम लोग नदी के किनारे जब वहीं बात हो रही थी उसकी देख लो ब्लॉग आएगा सुन लेना बहुत गलती की हो ना आकर पछता तो रहे होगे घर पे बैठ के वो तुमको पता ही है लेकिन क्या ही कर सकते हैं वजह भी तो वही थी अच्छा अभी हम बताए नहीं ना वो क्यों आया क्यों नहीं आया वो इसे नहीं आया क्योंकि उसके बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है कोई देखने वाला है नहीं मतलब बड़ा यही है घर का इसलिए डैडी बोले कि आप घर पे रहिए ट्रिप आप फिर कभी कर लीजिएगा पहले बाबा को देखिए उनकी भी बात सही थी अब क्या ही बोलते हैं हम लोग रोड देख रहे हो लग ही नहीं रहा कि नेपाल की राजधानी का रोड है ये मतलब काठमांडू नेपाल की राजधानी है ना कैपिटल का रोड ऐसा होता है इससे अच्छा तो पोखरा वगैरह का रोड है गड्ढा 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 ये गड्ढा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है अब तो बम का भी दम निकल गया चलते चलते सुबह चार बजे उठे थे हम 7 बजे से गाड़ी चला रहे हैं 16-17 घंटे हो गए हमको गाड़ी चलाते से नॉन स्टॉप ड्राइविंग चल रही है और किलोमीटर कितने थे 3 1 4
400 किलोमीटर में। सो गाइस वी आर इन काठमांडू बट ऑल द होटल शॉप्स एंड एवरीथिंग इज क्लोज्ड एंड वी आर सर्चिंग फॉर होटल। अ सिंगल पर्सन इज नॉट विजिबल हियर। वेयर वी विल स्लीप, ज़्यादा अंग्रेजी हो गई भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई। कभी आज तक मशीन में फूंक के दारू नहीं चेक कराया, तो वो भी चेक हो गया, पता नहीं कौन सी गली में भेज दिया है कम्बक। होटल की जगह साला तो कुछ हमको और ही दिख रहा है यहाँ पे, ये सब नशा क्लब, एक्सक्लूसिव डांस, मोको हब, पता नहीं क्या चल रहा है भाई इधर, हम मेरे समझ से तो परे है ये सब। तो भाई कितना सो गए, 12 बज रहा, कब उठोगे? उठेंगे भाई अभी, रात में इतना मस्त सुलाई थी, उठ नहीं पा रहे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काठमांडू। रात में हम लोग पहुंचे, 1 बजे तक तो काठमांडू पहुंच गए थे, उसके बाद जो नाटक, जो दिक्कत, जो परेशानी हुई वो क्या ही बताएं, मतलब बता ही नहीं सकते। मैप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सिम था लेकिन उसमें बैलेंस नहीं था, लोन लिए और माइनस में चला गया। उसके बाद अब होटल खोजने की बारी आई, तो 2-3 घंटे तो पहले मिले नहीं, फिर मिले तो मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया, कोई 5,000 इंडियन, कोई 6,000 इंडियन। तो फिर घूमते घुमाते पुलिस वालों से बहस वहस सब हुई, हर चीज़ हो गया, सब भटकते भटकते फिर आखिरकार मिला एक ढंग का अच्छा। खाना रात में मिला नहीं, अभी तक वैसे ही हम लोग सो गए थे आके चुपचाप, सामान पूरा बिखरा पड़ा है, हालत सबकी देखेंगे तो सब जिंदा लाश की तरह पड़े हैं। मस्त हमने फिर एसी चलाई। मिश्रा जी मॉर्निंग, मर गए क्या? मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बस यही था आज का। क्या बोल रहे थे भाई, कुछ छूट गया था क्या? को बोल ये रहे थे भाई कि जो होटल से यहाँ पे नेपाली करेंसी में थे वो रात में मजबूरी की वजह से आईसी करेंसी सब बता रहे थे। एक तो यहाँ होटल है बहुत सारे लेकिन आपको रात में कोई दिखेगा ही नहीं, खुला हुआ या फिर किसी का नाम वाम कुछ नहीं दिखेगा। मतलब अगर 10 बजे तक आ गए तब तो ठीक है, 10 बजे के बाद आ रहे हो तो पहले से या तो बुक करके आओ, ओयोज है यहाँ पे, या तो ओयो बुक कर लो या तो कोई और पहचान का है बुक कर लो। आके यहाँ खोजने लगे अगर तब तो कसम से आपको मन करेगा कि तुरंत ही चले जाएं घर वापस, इतना नाटक इतना नरक होगा ना, किसी से कहने लायक नहीं रहोगे। जो होटल आपको मिलेगा 2,000-1,500 नेपाली में, उसको तुरंत सब चेंज कर देते हैं 2,000-1,500 आईसी में, मतलब कुल मिला के आपको 1,000-1,500 का घाटा पर पर्सन, वो भी पर पर्सन, पर पर्सन ले रहे थे। पहले हम लोग के साथ क्या हुआ कि एक होटल था बहुत अच्छा, हम लोग गाड़ी अंदर पार्क वार्क सब कर दिए, वो हम लोग से बोला 1,800 नेपाली एक रूम का, दो लेना था हम लोग को, 5 हैं ही हम। उसके बाद सब करके ये तो कम सामान नहीं उतारे थे, नहीं तो और उसको गाली दिए होते। सब हो गया, फिर अंदर आए दोबारा रोड से इन सबको लेके, तो जब लिखने की बारी आई तब कह रहा है नहीं हम तो आईसी बोले थे। अब यही था कि कैमरा नहीं ऑन था मेरा, ऊपर से पर पर्सन, ऊपर से बोल रहा है कि नहीं हम आईसी बोले थे और पर पर्सन बोले थे, तो इस हिसाब से तो हो गया लगभग 6,000-7,000 रुपये। मतलब इतनी लूट मचाए हैं और इंडियंस को तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे क्या ही हो गया है, सबसे बेकार एक्सपीरियंस है। एक पशुपतिनाथ मंदिर है जिसके लोग यहाँ आते हैं, नहीं तो कभी ज़िंदगी में यहाँ कोई, सबसे बेस्ट पोखरा ना, सबसे बेस्ट पोखरा है। आप रात के 2 बजे जाइए, रात के 4 बजे जाइए, जब जाइए ना, वहाँ पे ओवर प्राइसिंग है, जैसी चीज़ रहेगी वैसा पैसा लेंगे, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। पोखरा बेस्ट है, कम से कम हम लोग कभी भूखे नहीं सोते हैं। यहाँ के पुलिस वाले भी बहुत अजीब हैं, पता नहीं क्या हम लोग को यूपी बोल के बिहार बोल के मजा ले रहा था, झूठ का सब पेपर कंप्लीट है हर चीज़, फिर भी 10-15 मिनट पता नहीं कौन सी पढ़ाई की है भाई, आधे आधे घंटे तक तो बस पेपर ही देख रहे हैं।
और हम लोग से बोल रहा है क्या क्या पढ़े हो। कल की रात बस किसी तरह बीत गई। अतुल पांडे कसम खा रहे हैं आज के बाद काठमांडू नहीं आएंगे कभी। आप? हाँ भाई। बुलबा कुछ पढ़े जाता आएंगे यार। अश्रा जी कहाँ आएंगे यार? रहन दो भाई, अपना गोरखपुरी सही कल कम खाने पूरी। अब व्लॉग बहुत लंबा हो गया, इसको यहीं पे अब सोच रहे एंड कर दें। व्लॉग में कुछ अच्छा लगे, पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आपको कुछ कहना है? जय श्री राम। जय श्री राम भाई। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए, हम लोग की तरह भूखे मत रहिए। बाय बाय। बाय बाय।